हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वर्षा श्रीकांत कुरहाड़े। मैंने मेरा एजुकेशन पूना से MBBS कंप्लीट किया, उसके बाद मुंबई में KEM ग्रैंड मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन एनेस्थीजियोलॉजी, जो भूल शास्त्र बोलते हैं हम, उसमें किया है। उसके बाद DNB या स्पेशलिटी डिग्री मदुरई तमिलनाडु में मीनाक्षी मिशन कॉलेज में हुआ है। और भूल शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद दर्द निवारण शास्त्र या पेन मैनेजमेंट, इसके बारे में मुझे पता चला था। और ये कुछ तो अलग है, इसमें हमें पेशेंट के लिए मेडिसिन फील्ड में रेगुलर ट्रीटमेंट छोड़ के कुछ तो अलग डिमांड होता है जो देने की ज़रूरत होती है। ये जब मुझे पता चला तो उसमें और सुपर स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग लेके प्रैक्टिस करने का मैंने फैसला किया। उसके लिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल कैंसर पेन के लिए मुंबई में, फिर दरादिया पेन क्लिनिक कोलकाता, वहाँ पे मैंने फेलोशिप की है। जैसे कि महाराष्ट्र का MUHS यूनिवर्सिटी है नासिक में, वहाँ से पेन और पैलिएटिव केयर का 1 ईयर का फेलोशिप किया है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पेन सोसाइटी और इंडियन पेन सोसाइटी के कोलैबोरेशन में एक फेलोशिप प्लान किया गया, जिसमें इंडिया के सिर्फ 60 लोगों को फेलोशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मिला था। उसमें से मैंने एक वो भी कोर्स किया है। और अभी पिछले 7-8 साल से मैं पूना में पेन मैनेजमेंट स्पेशलिटी में प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो अभी हम जानेंगे पेन मैनेजमेंट या दर्द निवारण शास्त्र के बारे में। मेडिकल फील्ड में और ओवरऑल सामान्य नागरिक में भी इस बारे में बहुत कम जानकारी है। वैसे तो 1980s में पेन मैनेजमेंट की शुरुआत हुई थी, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में, पर जैसे कि भारत में, हमारे देश में पिछले 10-15 साल से ये शास्त्र और इसका एडवांस टेक्नोलॉजी ज़्यादा विकसित हुआ है। इसी वजह से इसमें प्रैक्टिस करने वाले या पेन मैनेजमेंट स्पेशलिटी जानने वाले डॉक्टर्स भी काफ़ी कम संख्या से है। पर अभी हमारे जैसे न्यू जनरेशन वाले डॉक्टर्स और अपकमिंग जो भी स्पेशलाइजेशन आ रहे हैं पेन मैनेजमेंट में, इसकी वजह से इसका अवेयरनेस और इसके बारे में जानकारी काफ़ी अच्छी तरह से डेवलप हो रही है। तो पेन मैनेजमेंट मतलब जो भी हमें दर्द होता है, कोई भी दर्द जो कि सर से पाँव तक बहुत दिनों से या बहुत महीनों से चल रहा है, इसके लिए ये शास्त्र काम करता है। जैसे कि सर दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटनों में दर्द, पीठ का दर्द, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, कैंसर की वजह से होने वाला दर्द, डायबिटीज जैसे बीमारियों में होने वाले न्यूरोपैथी या ऐसे बीमारी, तो इस तरीके के दर्द के लिए ये ट्रीटमेंट स्पेशलिटी है। और इसमें रेगुलर जो मेडिसिन रहते हैं उसके अलावा काफ़ी ऐसे तकनीक या एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। अभी हम जानेंगे ये पेन मैनेजमेंट जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस है उसका बाकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस के ऊपर हमें लाभ क्या है या एडवांटेज क्या है। ये जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस है ये डे केयर बेसिस पे, मतलब एक या आधे दिन का एडमिशन करके किए जाने वाले 95% ऑफ द टाइम्स ऐसे प्रोसीजर रहते हैं। तो इसके लिए पेशेंट को एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। प्रोसीजर के बाद बेड रेस्ट या अपने काम से छुट्टी लेके बहुत दिन तक घर पर रहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें किसी के असिस्टेंस के बिना या सपोर्ट के बिना पेशेंट कर सकते हैं। इसके लिए जो भी ट्रीटमेंट लगता है वो हॉस्पिटल में, ऑपरेशन थिएटर में इमेज गाइडेड, जैसे कि एक्सरे मशीन या सोनोग्राफी मशीन के द्वारा किया जाता है। इसकी वजह से इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम रहते हैं या ऑलमोस्ट ना के बराबर रहते हैं। इसकी वजह से प्रोसीजर का प्रिसीजन भी बढ़ता है, प्रोसीजर की एक्यूरेसी बढ़ती है और पेशेंट को रिजल्ट मिलने के चांसेस ऑलमोस्ट 90-100% तक बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने बोला, कुछ पेशेंट जो कि एज की वजह से या कोई जैसे कोमॉर्बिड कंडीशंस होते हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या हार्ट प्रॉब्लम, इसकी वजह से उनको ऑपरेशन के लिए फिटनेस नहीं मिलता। या कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं, बाबा दर्द है, कमर में है, जोड़ों में है, ऑपरेशन बताया है लेकिन मुझे ऑपरेशन नहीं करना है, मुझे सिर्फ थोड़ा दर्द से राहत मिल जाए तो ही काफ़ी है। तो ऐसे पेशेंट के लिए पेन मैनेजमेंट ऑप्शन बहुत ही सही और कामयाब इलाज रहता है।
इनको हर पेशेंट को सर्जरी करवाने की जरूरत नहीं है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि बिना ऑपरेशन के, बिना हॉस्पिटल में ज्यादा दिन भर्ती किए और अपना रेगुलर काम या रोजमर्रा का चीजें चालू रखते हुए ये ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा ब्लड टेस्ट या बहुत ज्यादा दिन हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत नहीं होती। ये प्रोसीजर जैसा कि आपने सुना बिना ऑपरेशन के और कम हॉस्पिटल एडमिशन में किए जाने वाले हैं, तो नेचुरली इसका जो कॉस्ट है ट्रीटमेंट के लिए, जो पैसे लगते हैं, वो बाकी ट्रीटमेंट के कंपैरिजन में भी काफ़ी कम होता है। और जैसे कि ये नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स है, इसमें रिपीटेबिलिटी या मानो जो इंजेक्शन हमने लिए है उसका अगर रिपीट डोज लगता है तो ये भी करना काफ़ी आसान होता है। इसमें साइड इफेक्ट रिपीट करने की वजह से नहीं रहते। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.painspecialistpune.com या फिर नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।